वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी दाल और ककड़ी टमाटे। सिंपल एंड टेस्टी कैसा बनाना की देखेंगे। चलो मैं मूंग दाल ले रही हूँ। मूंग दाल का छिटला इजी से निकलने के लिए पहले गरम पानी कर लेना। गरम करने के बाद में से मूंग दाल में डाल लेना। डाल के स्पून से उधर इधर अच्छा मिक्स करना। ऐसा करे तो छिटला उखड़ जाता। देखो समझ में आ रहा है आपको ऑलरेडी। ज़्यादा देर भी नहीं पकड़ता, थोड़ी देर बस उधर इधर हिलाना। अब मैं थोड़ा नॉर्मल वाटर ले रही हूँ। हाथ जलता बोल के नॉर्मल वाटर डाल के ऐसा कर रही हूँ। छिटला ऐसा पूरा निकल जाता। अच्छा ऐसा दाल को मत लेना। देखे ना कैसा निकल रहा कि देखो छिटला। अब दाल अच्छा साफ हुआ, अब पका लेंगे। दाल को बाउल में डाल के उबाल ले रही। 5 मिनट्स अच्छा उबाल लेना हाई फ्लेम में रख के। फाइव मिनट्स के बाद कट कर ली सो ककड़ी डाल लेना। बाद में टमाटे डाल लेना। अब ककड़ी टमाटे अच्छा पकता। इसमें ककड़ी टमाटे डाल लिए बाद कच्ची मिर्ची और नमक डाल लेना। अब थोड़ा मिक्स कर लेके अच्छा पका लेंगे ये 3 आइटम्स। ककड़ी जल्दी पकता, ये टमाटा और कच्ची मिर्ची लेट पकता। थोड़ा एक 10 मिनट्स हाई फ्लेम में ला के पका लेंगे। आनियंस लास्ट में ही डाल लेना। पहले डाल ले तो जल्दी पक जाता, थोड़ा कच्चा कच्चा रहे तो प्याज मज़ा रहता। अब अदरक डाल लेना 1 टेबल स्पून। आधा टेबल स्पून हल्दी डाल ले रही। 2 टेबल स्पून लाल मिर्ची। लाल मिर्ची नहीं ली सर का, पूरा कच्चा मिर्ची भी ले सकते और ज़्यादा टेस्ट आ जाता। अब लाल मिर्ची को अच्छा मिक्स कर लेना। लाल मिर्ची स्मेल गए सर का 5 मिनट पका लेना। 5 मिनट के बाद थोड़ा वाटर लेके मिला लेंगे। पहले ही वाटर नहीं डालना, लाल मिर्ची डाले जब। अब थोड़ा वाटर लें। ये दाल ककड़ी में थोड़ा इमली का रस डाले तो और ज़्यादा टेस्ट रहता। वो इमली का रस डाल लेंगे। दाल कंप्लीट पक गया, अब बगा लेंगे दाल को। अब बघारे को दाल में डाल लेना। जस्ट 2 to 3 मिनट्स तक पका लेना बस। जीरा और मेथी पाउडर डाल लेना लास्ट में। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।